ये क्या डांस और पंगे लेने लग गया। तो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। तो अभी आज है मंडे और टाइम शाम के 4:30 बज गए गाइस। और अभी फिलहाल आ रहा तो अंदर ना अपनी ट्यूशन के लिए रेडी हो रहा है। अभी खैर आ रहा तो जाता है ट्यूशन। और एक ना मास्टर जी की डेथ हुई थी ना, तो मम्मी परसों वहाँ से आए हैं। तो जब से आया ना तब से चार लेडीज़ आ रही हैं। तो बस आना जाना ही लगा हुआ है लोगों का। और ऊपर से ना हमारे आसपास ना मकान बन रहे हैं ना, तो मार्बल कटिंग वाली मशीनें लगी हुई हैं। एक ये पास वाली धर्मशाला में एसी वगैरह की फिटिंग हो रही है, तो उससे ना शोर ही शोर हो रहा है। लोग क्या ही करें इतने शोर में। अभी शोर थोड़ी देर बंद हुआ है तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। अभी तो खैर पहले आ रहा है को ट्यूशन भेजते हैं। तो ये देखो आ रहा है, तो ट्यूशन जाने के लिए रेडी भी हो गया। अभी ना 4:30 हुए हैं, तो इसको 4:45 भेजेंगे। तो ताला दे दे मेरे को, चल बाय। चला जाएगा ना, कुत्ते तो नहीं है, देख ले। तो ये तो गया ट्यूशन। तो ये देखो अभी ना ये सारा दिन कोल्ड ड्रिंक की बोतलें ही लाने को रहता है। अब लेडीज आई हैं कुछ, तो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया है। कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोई चाय पीता है, तो बस सारा दिन ये तो सामान लेने को ही रहता है बस। गाइस कुत्ते देखो ना कैसे भौंक रहे। ये देखो ये जा रहे, ये रहे, ये देखो। कितने खतरनाक कुत्ते हैं ना। कार के नीचे कुछ घुसा है, बिल्ली होगी शायद। देखो कुत्ते किन्ने किवें भौंकी जांदे ना, किड्डे तकड़े तकड़े कुत्ते हैं। पाए पता नहीं है किसी होर गली दी, अपनी गली दी है ही नहीं गे। नाल गंदी बदबू आई जांदी सी ना चो तो यार। आ काके दी छुट्टी किन्ने बजे है? पक्का 7 बजे होऊ। फिर ओ सावन लैण जाना पऊगा यार, ये कुत्ते खतरनाक हैगे आ। तो गाइस देखा आपने कुत्ते कैसे भौंक रहे थे। एक्चुअल में ना ये हमारी गली के कुत्ते नहीं थे। हमारी गली वाले कुत्ते भी सारे ऐसे ही भौंकते हैं, पर वो तब भौंकते हैं या तो कोई अनजान कुत्ता है या फिर कोई अनजान बंदा या जानवर आता है तो भौंकते हैं ऐसे। और ये तो ना किसी दूसरी गली के कुत्ते हैं, ऐसे घोड़े की तरह तकड़े कुत्ते। और मान लो ऐसे कुत्ते बच्चे को घेर रहे तो बच्चे का क्या ही छोड़े। और उनसे ना मांस की बदबू भी आ रही थी शायद ना, और जैसे पशु को फेंक देते हैं ना मरे हुए पशु को, वो खा के आए हो वैसे कुत्ते थे ये। बड़े खतरनाक कुत्ते लग रहे थे। तो अब ना आ रहा को ना लेके आना पड़ेगा जाके, क्योंकि इन कुत्तों का कोई विश्वास नहीं है। आज ना हथौड़े से ठक ठक करे जा रहे हैं, आर पार ना कर दें कहीं। तो गाइस फिलहाल ना मैं बाहर खड़ा हूँ, आर्या को लेने तो नहीं जा रहा, गली में गेट पे ही खड़ा हो जाता हूँ, सामने दिखता ही है। तो गाइस एक्चुअल में आर्या वो मोड़ से मुड़ेगा ना, मोड़ से मुड़ते ही घर है, तो मोड़ से मुड़ेगा तो सामने ही खड़ा हूँ मैं। कुत्तों का कोई डर नहीं है वैसे तो, अभी खाली है गली। तो गाइस आर्या को ना लेने ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये ढेर पे कुत्ते बैठे हैं। तो उससे बढ़िया ना वो मोड़ तक चल ही चलता हूँ मैं। तो ये देखो गाइस ये बैठे हैं ना कुत्ते, तो आर्या इनसे डरता है। अब ये पता नहीं कौन सी गली के कुत्ते हैं ये। तो गाइस वैसे तो कोई डर नहीं है, ये कुलदीप आंटी और का घर है, कोई दिक्कत हो तो आ रहा अंदर जा सकता है। और इसकी मैम का घर भी ये मोड़ मुड़ती पास में ही है बिल्कुल। बस यहाँ वेट कर रहा हूँ, आ रहा आने ही वाला है। तो ये आ गया आ रहा। आज तो सोच रहा होगा मैं तेरे को लेने क्यों आया। कुत्ते हैं आज गली में, वो कुत्ते ना बहुत खतरनाक थे, ऐसा धमाल मचाया उन्होंने गली में, और अजीब सी बदबू आ रही थी उनसे। तो फिर मैंने मम्मा को बोला कि तेरी मैम को फोन कर दे, पर पता नहीं मम्मा ने फोन करा कि नहीं करा। मैं तो फिर टाइम से पहुंच गया था, मैंने कहा लेने जाऊं। नहीं ओ हजे तक लेडी बैठे हैं नहीं, कितनी आकाई जमी है। तो गाइस देखा आपने मम्मी और मीनू तो ना बस उधर ही बैठे रहते हैं दोपहर के बाद। सुबह भी आती हैं लेडीज पर कम आती हैं, दोपहर के बाद आना चालू होती हैं। तो अभी तक एक आंटी तो अभी तक बैठे थे, अभी और भी आ रहे हैं, फोन आया था किसी का। तो मम्मी और मीनू तो ना बस उधर ही बैठे रहते हैं, उनको आ रहा है अभी ना, फिर जाता है कोई आता है अभी ना, ठंडा लेने जाता है। बार 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 बस यही काम है हमारे पास ना, ठंडे बड़ी पता नहीं कितनी बोतल इकट्ठी हो गई। पर अभी ये है कि जिन्होंने आना तो आना ही है, मास्टर जी का जिनको पता चला, जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे आ रहे हैं लोग। मुरब्बा केड़ा लेना है, तू मुरब्बा कही जी कल सेव का कि आमले का? मुरब्बा सेव का लेने, आमले वाली कैंडी पई है अपने को। चल मेरी गाल सुन लो। तो गाइस एक्चुअल मेरा मीनू को मुरब्बा खाने का मन हो रहा था कई दिन से, तो कल भी लेट हो गए, इसने लेट बोला, अभी मेरे को याद आ गया तो मैंने कहा पूछ लो मीनू से। तो इसको ना मुरब्बा ला देते हैं, कई दिन से बोल रही है तो आज ला के देते हैं इसको। ये वो थोड़ी है, वो है। उसके सींग छोटे हैं लड्डे।
तूने कुछ नहीं लेना? तो भाई सेब का मुरब्बा और नूडल्स तो ले लिए। फाइनल है तो क्या है, माइंड चेंज कर रहा है बारी बारी। मेरे को पता तूने क्या लेना है, तूने लेना वो लेमन मजीटो सा। हेलो, अब कौन ले लिया? कौन फाइनल लग रहा है? अब फाइनल है ना, चल ठीक है। तो ये तो वहीं से मिल जाता फिर तो। इसको चीज़ भी दिला दी और दही भी ले ली। वैसे दही लेने यहाँ आना ही पड़ता साहिल की शॉप पे। तो चलो अब घर चलते हैं। चल सुनो, आला मेन गेट खुला ना छड्या करो कदे भी। कुत्ते सारे बीमार होए पिया, दो कुत्तिया नूं तां खून दी उल्टी आई। कहिंदा मर गए दो कुत्ते तां अबिया। कहिंदा ते सारे कुत्ते मरे बीमार होए पिया जिहड़े गली च अपनी गली च रहिंदे आ। वो देखना रोकी के चक्कर में ये क्या कर रहे हो? अच्छा दवाई पिला रहे हो क्या? जब से घर टूटा तब से इसकी तबीयत खराब है। हाँ ये यहीं बैठा रहता सच यार। हाँ। मेरे इसको बहुत ज्यादा मतलब इनको बीमारी लग गई है ना, बोतल लगवाना पड़ता है यार, लेकिन कोई नहीं लगवाता बोतल, कोई नहीं सोचता इनके बारे में। खाने को आते हैं यार, इनके इलाज की तो कोई दिक्कत नहीं है, पर है बहुत सारे। एक को थोड़ा छेड़ो तो इकट्ठे हो जाते हैं, डर जाता है बंदा। अब आप तो इनको शुरू से संभाल रहे हो ना, तो आपको पहचानते हैं। दवाई पिला रहा है उसको, देखना बिल्कुल ही सूख रखा है ये। मैं तो इसको 8-5-7 दिन हो गया रोटी खाए हुए, दूध तक नहीं पीता। इनमें से बदबू आ रही है ना? कह नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा गंदी। हाँ बदबू। आज सुबह और कुत्ते भी आए थे दूसरी गली के, उनमें से भी ऐसी बदबू आ रही थी गंदी। देखना दवाई का असर हो गया, उठ गया वो। तेनू दवाई पाई जाते दोनों जने खड़े है। कुत्ता जमा ही यानी कि जमा कमजोर होया पिया, वो बैठा बार है। ते कुत्ते ना अजीब जे है, या तो उल्टी कर दे खून वाली या पोटी कर दे ते बस कहना खत्म हो जाते। तो आज क्या बन रहा है? चावल चावल। आज हमका बिहारी बनना है, हमका चावल खाना है। आ गया, बंद कर देते बंद कर देते। आ जा रुकी, आ जा आ जा। तो गाइस रुकी आ गया, रुकी आ गया, रुकी आ गया, रुकी आ गया, रुकी आ गया भाई। रुकी को भी बुखार हो रखा है। आ जा दिखा के लाऊं, आ जा। तो देखना गाइस आ रहा है, कोई ढूंढ रहा है। इधर 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 आ, इधर हो रहा, वो रहा, आ रहा ना, आ रहा। देखना वो अंदर गया, अंदर गया। वो अंदर जाता है नहाने के लिए। वो तेरे साथ नहाने आ रहा था, तू उसको बाहर भगाया जा रहा। तो गाइस देखना बस रोकी यहाँ आके बैठ जाता है, यहाँ से हिलता नहीं है। फिर रोकी बुखार और खा, रोकी को बुखार और खा, बुखार और खा। रोटी खा ले। तो गाइस देखना पहले तो कभी हुआ ही नहीं ऐसे भी, रोकी ने रोटी ना खाई हो इसको दी हो तो। आज तो ऐसे उदास होके बैठ रखा है। वाकई यार बुखार है, इसकी तबीयत खराब है लड्डे। देखना इतना उदास तो कभी नहीं बैठता ये। रोकी क्या हो गया? रोकी बुखार हो गया, रोकी को बुखार हो गया भाई। देखना गाइस जो इतना खेलता हो ना उसके ऐसे उदास देख, खुद का मन भी ना उदास हो जाता है। अब ये उदास बैठा है तो हमारा मन भी उदास हो रखा है। इसको ज्यादा तंग मत कर लड्डे, तो उसकी तबीयत खराब है ना। हाँ ऐसे ऐसे बिठा ले, ऐसे बिठा ले। ऐसे क्यूट लगता ना? क्यूट तो लगता ही है, क्यूट तो है ही वो। ये क्या डाल रहा है? पंगे लेने लग गया। देखना हम इसे बोर नहीं ले रहे ना, फिर भी उसको दांतों में पकड़ के बैठा है ये। तो गाइस देखना पहले रोकी के पीछे एसी चलाना पड़ता था, आज रोकी के कारण ही एसी बंद कर दिया हमने, क्योंकि ठंडे में ना बैठा बैठी नहीं है। मैंने बिठाया है, तबीयत खराब है ना दी। तो गाइस देखना रोकी तो बिल्कुल ही यानी कि ना बुखार इसको अब ज्यादा होने लग गया। तो भैया को फोन करा है कि जल्दी आ जाओ। तो गाइस भैया आ गया रोकी को लेने, देखे खुश हो गया। रोकी जा रहा है, चल बाय रोकी।
देखना बाइक पे बैठ के आगे चौड़ा होके तो गाइस फिलहाल रोकी को तो भैया ले गया। रोकी को ना नींद आने लगी थी तो मैंने भैया को फोन कर दिया मैंने, तो भैया ने बोला कि उसको दवाई देनी है अभी, तो अभी फटाफट आके भैया उसको ले गया। तो गाइस फिलहाल डिनर आ गया, आज डिनर में चावल बने हैं तो अभी पहले डिनर करते हैं। तो गाइस फिलहाल डिनर कर लिया, इस ब्लॉग का करता हूँ एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं गाइस आपको नए ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।